साल 2008 में एक डच मूवी रिलीज होती है फितना, और इसके रिलीज होते ही पूरे YouTube प्लेटफॉर्म को पाकिस्तान में बैन कर दिया जाता है। इस मूवी ने डायरेक्टली ये शो किया कि इस्लामिक गॉड अल्लाह गेट्स हैप्पी व्हेन अ नॉन मुस्लिम इज किल्ड। इस्लाम इज अ रिलीजन दैट वांट्स टू रूल द वर्ल्ड। इतनी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल और एंटी इस्लामिक फिल्म थी ये, बट अनफॉर्चुनेटली ये इकलौती मूवी नहीं है जो मुस्लिम्स को टारगेट कर रही है, क्योंकि इस मूवी में इस्लामिक प्रॉफिट मोहम्मद को बहुत ही गलत तरीके से दिखाया गया एंड ऑल्सो कई बार उन्हें कस भी किया गया था। सो जाहिर है सब जगह पर रायट्स होने लग गए। The protests we've been showing over the last few days, sparked by a movie many people call anti-Islam for mocking, of course, the Prophet Muhammad. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव। क्योंकि पाकिस्तान देश में इससे पहले भी बहुत बार YouTube बैन हो चुका था, पर 2012 का बैन वॉज वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल। सो चलिए जानते हैं क्लियरली कि 2012 में ऐसा क्या हुआ था। वेल, YouTube पर इनोसेंस ऑफ मुस्लिम्स इस शॉर्ट फिल्म को दो वर्जन में अपलोड किया गया था। एंड बूम, एकदम से पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में तहलका मच गया। हर जगह पर रायट्स होने लगे, लोग इस मूवी को बॉयकॉट करने लगे, और YouTube ने खुद इस मूवी को उन स्पेसिफिक एरिया से ब्लॉक कर दिया जहां की लोकल सिचुएशन या लॉज ऐसे सेंसिटिव कंटेंट के अगेंस्ट थे। बट हियर इज द बेस्ट पार्ट, इस मूवी के एक्टर्स को बेसिकली पता ही नहीं था कि ये मूवी एंटी इस्लामिक है, और सारे एक्टर्स ने इस रिलीज के बाद आए बैकलैश को देखते हुए एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज की कि इस मूवी के डायरेक्टर ने हमें गुमराह किया था और हमें मूवी की पूरी स्टोरी को कुछ और तरीके से बताया गया था। एज इट टर्न्स आउट, ओरिजिनली ये फिल्म थी इजिप्ट के 2000 साल पहले के लाइफ के बारे में, और इसका टाइटल था डेजर्ट वॉरियर, जिसके स्क्रिप्ट में अपेरेंटली कोई भी एंटी इस्लामिक डायलॉग्स भी नहीं थे। बट देन शूट होने के बाद पोस्ट प्रोडक्शन में कुछ डायलॉग्स को चेंज करके उसमें प्रॉफिट मोहम्मद के नाम को ऐड करके ये कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स को ऐड कर दिया गया, जस्ट टू टारगेट मुस्लिम्स, और इसी से पूरा इस्लामिक वर्ल्ड खुश नहीं था। पाकिस्तान एंड इनफैक्ट अफगानिस्तान ने यूट्यूब प्लेटफॉर्म को ही अपने देश से बैन कर दिया और ये डिमांड रखी कि जब तक यूट्यूब से ये वीडियोस रिमूव नहीं होंगे उनकी कंट्री में यूट्यूब सस्पेंडेड ही रहेगा। पर इस धमकी से कोई खास असर नहीं पड़ा एंड इट बेसिकली चेंज नथिंग। जब अमेरिकन व्हाइट हाउस ने यूट्यूब से जवाब मांगा तो यूट्यूब ने कहा कि वीडियो प्लेटफॉर्म से डिलीट नहीं होने वाली क्योंकि इस्लामिक रिलीजन के अगेंस्ट हो सकता है लेकिन इस्लामिक लोगों के अगेंस्ट नहीं है। सो उनके पॉलिसीज के हिसाब से इसे हेट स्पीच नहीं माना जाएगा। Now guess what? पाकिस्तान, जिसने अभी तक YouTube को सस्पेंड किया था, उसने रिटेलिएशन में पूरे के पूरे YouTube प्लेटफॉर्म को ही अपने देश से बैन कर दिया, वो भी फॉर 1000 फ्रीकिंग डेज। इनफैक्ट ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे लंबा YouTube बैन था, क्योंकि इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने के लिए जुलाई 2013 में खुद पाकिस्तानी IT मिनिस्टर अनुषा रहमान के अंडर एक कमेटी बिठाई गई थी। इस कमेटी का मेन ऑब्जेक्टिव बस इतना था, ये पता लगाना कि ऐसे कंटेंट को आखिर ब्लॉक कैसे किया जाए। अब कमेटी को ऑब्वियसली ऐसा कोई मैकेनिज्म मिला नहीं और इसीलिए पाकिस्तान में 1000 दिनों के लिए YouTube बैन रहा अंटिल दिसंबर 2015। फॉर अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक पाकिस्तान, YouTube जैसे एक प्लेटफॉर्म को कंप्लीटली बैन कर देना, व्हाट डू यू थिंक वाज राइट? हाउ फेयर इज इट? क्योंकि ऑब्वियसली कुछ लोग उसे बैन करना चाहेंगे तो कुछ लोग ये भी चाहेंगे कि नहीं, YouTube से बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, YouTube एजुकेशन में मदद करता है, तो ऐसे इंपॉर्टेंट वेबसाइट को बैन नहीं किया जाए। एंड इट्स डेमोक्रेसी, राइट? सो आपको दोनों ही टाइप के ऑडियंसेज या दोनों ही टाइप के लोगों, सिटीजन्स के व्यूज को कंसिडर करना पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं था कि ये सिर्फ YouTube में हुआ था, इनफैक्ट इससे पहले और भी बहुत सारे वेबसाइट्स में ऐसी चीजें हो चुकी थी, और उनके रिटेलिएशन में भी पाकिस्तान हैड बैंड दोज वेबसाइट्स। और कभी कभार तो रीजंस इतने फनी भी होते थे कि आप सुनकर में भी आप भी कहोगे कि क्या बैन करना जरूरी था। अभी रिसेंट की अगर बात करें तो इंटरनेट ऑब्जर्वेटरी नेट ब्लॉक्स की एक रिपोर्ट के हिसाब से सितंबर 6, 2022 को इमरान खान की रैलीज बड़े जोर शोर से चल रही थी, जहां पर वो ऑफ कोर्स वापस से पावर में आने के लिए ऑपोजिशन के खिलाफ बहुत सारे स्पीचेस दे रहे थे। एंड गेस व्हाट, इसमें भी पाकिस्तान की करंट गवर्नमेंट ने यूट्यूब को बैन करवा दिया। अब वहां के न्यूज चैनल्स को ये रैलीज कवर करना वैसे तो मना ही था, बट एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म का भी फ्री स्पीच गवर्नमेंट रोकने की कोशिश कर रही है। रीजन, बस बिकॉज वो नहीं चाहते कि ऑपोजिशन वाले अपना कोई स्पीच दे, अपना भी एक पॉइंट रखे
और पाकिस्तान की जनता उनका व्यू पॉइंट भी समझे, बिकॉज द करंट गवर्नमेंट फील्स थ्रेटन्ड। उन स्पीचेस में बेसिकली इमरान खान पाकिस्तान की डिटीरियोरेटिंग इकोनॉमी के लिए कंप्लीटली पाकिस्तानी आर्मी को ही रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे थे। कुछ स्पीचेस में इमरान खान क्लियरली ये बोल रहे हैं कि अभी भी टाइम है, सुधर जाओ, वरना इतिहास इसके लिए सिर्फ पाकिस्तानी आर्मी को ही ब्लेम करेगा। यू नो, आस्किंग द आर्मी टू चेंज देयर पॉलिसीज। क्या आप को फिक्र है इस कौम की? मैं अपने न्यूट्रल से आखिर में ये कहता हूं कि अभी भी वक्त है, अपनी पॉलिसीज रिव्यू करें। कुछ स्पीचेस में उन्होंने क्लियरली ऑपोजिशन को ब्लेम किया है कि वो पाकिस्तान में अपने खुद के इंटरेस्ट से अलाइन होने वाला आर्मी चीफ बनाना चाहते हैं और ये सब मिलके अपने फायदे के लिए देश को बर्बाद कर रहे हैं। और ये दोनों जरदारी और नवाज शरीफ ये अपना आर्मी चीफ लाना चाहते हैं। बेसिकली इमरान खान का ये कहना है, एंड आई कोट, कि हमारा देश कैंसर का इलाज डिस्पिरिन से कर रहा है। ये तो कैंसर का इलाज डिस्प्रिन से कर रहे हैं आप। अगर वेल्थ क्रिएशन ही नहीं हो रही और आप कर्जे लेते जा रहे हैं, कर्जे तो वापस करने हैं आपने, तो डेट सर्विसिंग तो बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान अपने माउंटिंग डेट्स को क्लियर करने के लिए बस सऊदी, यूएई या चाइना से कर्जे लेके जैसे तैसे करके अपनी इकोनॉमी को बस चला रहा है। पाकिस्तान का कलेक्ट किया हुआ आधा टैक्स, अगेन आई एम कोटिंग इमरान खान, आधा टैक्स पूरे देश का सिर्फ कर्ज चुकाने में ही चला जाता है। तो जितना हमने टैक्स इकट्ठा किया, आधा टैक्स चला गया डेट सर्विस, कर्जों पे सूद देने पे, तो सारे मुल्क के लिए आधा टैक्स रह गया। अब फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर आपको पाकिस्तान की कंडीशन मालूम है तो आप लोग भी इस बात से एग्री करोगे कि इस बात में एटलीस्ट कुछ ना कुछ सच्चाई तो है। एंड टू बी ऑनेस्ट, लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी का यही फायदा होता है कि ऑपोजिशन भी आपके रॉन्ग या फॉल्टी सिस्टम्स के खिलाफ अपनी आवाज उठा सकती है और कॉन्फ्लिक्ट हो सके और कॉन्फ्लिक्ट के वजह से सॉल्यूशंस निकले और करंट गवर्नमेंट और बेहतर काम कर सके। बट पाकिस्तान के लिए ये सब एक्सेप्टेबल नहीं है और सिर्फ इन्हीं आवाजों को दबाने के लिए स्पेसिफिकली कुछ ही जगहों पर कुछ ही घंटों के लिए यूट्यूब को बैन कर दिया गया। नाउ ऐसे बैन्स पाकिस्तान में कॉमन तो है, बट ये बैन्स कॉमन है अक्रॉस मेनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी। इनफैक्ट PTA यानी पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने सिर्फ यूट्यूब ही नहीं बल्कि और भी काफी सारे वेबसाइट्स हैं जैसे कि रेडिट, व्हाट्सएप और टेलीग्राम को भी बैन किया है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में या तो रीजन इज नॉट स्टेटेड या फिर स्टेटेड इन अ वेरी वेग मैनर। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेप्टेम्बर 2005 में एक डैनिश न्यूज एजेंसी रिट्ज़ाउ ने एक आर्टिकल निकाला सेइंग दैट एक ऑथर के ब्लुइटगेन को अपनी चिल्ड्रंस बुक जिसका नाम था द कुरान एंड द लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद के लिए कोई इलस्ट्रेटर यानी कि कार्टून आर्टिस्ट नहीं मिल रहा है क्योंकि सभी लोग इस्लामिक ब्लास्फेमी लॉज की वजह से प्रॉफिट मोहम्मद को ड्रॉ करने से डर रहे हैं। सो इसी के सोल्यूशन के लिए 3 दिन बाद हुई एक ऑफिशियल डैनिश एडिटोरियल मीट। इस मीट में जिलेंस पोस्टन जो कि एक दूसरी डैनिश न्यूज़पेपर कंपनी है उसके रिपोर्टर ने एक आइडिया निकाला कि क्यों ना हम एक पब्लिक एक्सपेरिमेंट करें और ये देखें कि आखिर कितने इलस्ट्रेटर्स हैं जो इस्लामिक ब्लास्फेमी लॉज से नहीं डरते हैं और उनके लिए प्रॉफिट मोहम्मद का फेस ड्रॉ करके लेके आ सकते हैं। नाउ ऑफ कोर्स काफी अनसरप्राइजिंगली सिर्फ 12 लोगों ने ही ड्रॉइंग सबमिट की एंड देन व्हाट हैपेंड वाज अ बिग ब्लास्ट। जिलेन पोस्टन ने 12 इमेजेस 30th सितंबर 2005 को न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दी टाइटल्ड एज मोहम्मद्स अनसेक्ड, यानी सिंपल वर्ड्स में प्रॉफिट मोहम्मद का चेहरा। अब इतना तो हर कोई जानता है कि इस्लामिक ट्रेडिशन में अल्लाह या प्रॉफिट मोहम्मद या किसी भी और प्रॉफिट को ड्रॉ करना ब्लास्फेमी माना जाता है, यानी बेसिकली इस्लाम का एक इंसल्ट। इनफैक्ट पाकिस्तान पीनल कोड 295C के हिसाब से इस गलती की सजा सिर्फ मैंडेटरी डेथ है और इसीलिए इन इमेजेस के पब्लिश होते ही मुस्लिम जनता में एक वेव ऑफ एंगर आ गया एंड इमीडिएटली वहां के डैनिश इमाम इन पिक्चर्स को लेकर मिडिल ईस्ट कंट्रीज से सपोर्ट मांगने चले गए। बट कहानी एस्केलेट तब हुई जब इन सारे इमेजेस के साथ वो एक ये वाला इमेज भी लेकर चले गए जहां बेसिकली प्रॉफिट मोहम्मद को एक पिक के साथ एसोसिएट कर लिया था ये बताने के लिए कि ये इमेज भी इसी कंपटीशन में बनाया गया था। नाउ इस इमेज को देखते ही आप सब समझ सकते हो कि इस्लामिक कम्युनिटी में क्या वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट शुरू हो गया होगा। बट वेट, अभी थोड़ा सा ध्यान से सुनो क्योंकि असलियत तो कुछ और ही थी। ये इमेज दरअसल एक रैंडम इमेज था जिसका इस कॉम्पिटिशन से कोई भी रिलेशन था ही नहीं, लेकिन अफसोस जब तक ये बात सामने आई इट वॉज टू लेट। इस्लामिक कम्युनिटी से इतने स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट के बाद डैनिश पॉपुलेशन स्टार्टेड गेटिंग वेरी एजिटेटेड। उनके अंदर एक ऐसी फीलिंग आने लगी कि ये सब उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और ये लोग मिलके उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए इसे काउंटर करने के लिए 2008 में डच पॉलिटिशियन गेर्ट विल्डर्स ने एक शॉर्ट फिल्म रिलीज की जिसका नाम था फितना। नाउ ये फितना मूवी क्लियरली इस्लामिक रिलीजन की तरफ टारगेटेड थी। इस मूवी में काफी ब्लेटेंटली इस्लाम रिलीजन और कुरान को हेट्रेड और वायलेंस प्रमोट करने के लिए ब्लेम किया गया था। मुकद्दस बेहतरीन दीन है,
that has come us. और इसीलिए क्योंकि ये फिल्म इतनी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल थी, अगेन पाकिस्तान ने यूट्यूब को बैन कर दिया। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से रिक्वेस्ट किया कि वो पाकिस्तान में यूट्यूब एक्सेस को ब्लॉक कर दे ताकि वापस पाकिस्तान में रायट्स और प्रोटेस्ट ना शुरू हो जाए। सो ऐसे भयंकर केसेस पहले भी हो चुके हैं। अब लेट्स फास्ट फॉरवर्ड टू 2010 जब पाकिस्तान में वापस से एक बार यूट्यूब बैन हो गया। बट इस घटना को थोड़ा गौर से सुनना। सो 2010 में एक अमेरिकन टीवी चैनल कॉमेडी सेंट्रल पर ब्रॉडकास्ट हो रहे शो साउथ पार्क ने अपने कुछ एपिसोड्स में बाकी रिलीजियस गॉड्स के साथ प्रॉफेट मोहम्मद का कैरेक्टर भी दिखा दिया। नाउ ये अब तक इतना भी कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं था, लेकिन चीजें एस्केलेट होना तब शुरू हो गई जब एपिसोड नंबर 200 और 201 रिलीज हुआ, क्योंकि इन एपिसोड्स में अपेरेंटली प्रॉफेट को एक बेयर की कॉस्ट्यूम में दिखा दिया गया। अगेन इसके क्रिएटर्स को इसके लिए मेजर बैकलैशेस मिले और ये होते ही शो में प्रॉफेट की इमेज को सेंसर कर दिया गया। बट अगेन इट वॉज टू लेट, क्योंकि अगले ही एपिसोड में प्रॉफेट मोहम्मद के प्रेजेंस में कार्टून कैरेक्टर ने एक क्राउड को एड्रेस करते हुए वॉयलेंस और टेरर को सबसे पावरफुल वेपन बताया। But it wasn't because of some magic goo. It was because of the magical power of threatening people with violence. All you need to do is instill fear and be willing to hurt people. That's obviously the only true power. And you can get whatever you want. The only true power is violence. अब इससे अफकोर्स मुस्लिम पॉपुलेशन में एक assumption बैठ गया कि ये सब उन्हें टारगेट करने के लिए दिखाया जा रहा है। और इसके बाद अगेन मैसिव प्रोटेस्ट हुए, रैडिकल मुस्लिम्स ने काफी धमकियां दी कि वो मेकर्स को मार डालेंगे, और अंत में कॉन्ट्रोवर्सी ही इतनी बढ़ गई कि फाइनली चैनल को ये एपिसोड कैंसिल करने ही पड़ गए। बट इसके बाद स्टोरी ने ले लिया एक यू टर्न, क्योंकि एपिसोड्स को इस तरह कैंसल करवाना फ्री स्पीच सपोर्टर्स को कुछ खास पसंद नहीं आया, और इन्हीं में से एक थी कार्टूनिस्ट मॉली नॉरिस। नॉरिस ने उन कैंसल्ड एपिसोड्स के सपोर्ट में कैंपेन स्टार्ट किया और मई 20th को एवरीबॉडी ड्रॉ मोहम्मद डे डिक्लेयर कर दिया गया। अब ये डिक्लेयर करते ही ये कैंपेन तेजी से फेसबुक पर पॉपुलर होने लगा, एंड विद इन नो टाइम दुनिया भर से लोग अपनी अपनी बनाई ड्रॉइंग्स अपलोड करने लगे टू सपोर्ट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। नाउ अगेन द साइकिल रिपीट्स। इस्लामिक कम्युनिटीज ने और प्रोटेस्ट और रायट्स किए, और अंत में पाकिस्तान ने ये सब देखते ही फिर से एक बार काफी सारे वेबसाइट्स, पर्टिकुलरली यूट्यूब, फेसबुक और फ्लिकर को बैन कर दिया। नाउ लेट्स जंप डायरेक्टली टू 2020। ये केस काफी ज्यादा फेमस है, एंड आई थिंक आपने भी इसके बारे में सुना होगा कि अक्टूबर 2020 में फ्रांस के एक टीचर सैमुअल पैटी ने एक दिन क्लास में प्रॉफिट मोहम्मद का कार्टून यूज किया, और इससे ऑफेंड होकर कुछ मुस्लिम स्टूडेंट्स ने लिटरली उस टीचर का सर ही काट डाला, और इसे कई सारे रेडिकल इस्लामिक ग्रुप्स ने सपोर्ट भी किया। बट सिचुएशन तब बिगड़ी जब फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन ने इस सब के दौरान चार्ली हेब्डो नाम के मैगजीन की तरफ अपना सपोर्ट जताया, जो प्रॉफेट मोहम्मद की इमेजेस को जो 2005 में पब्लिश हुई थी उन्हें रीपब्लिश करना चाहती थी। वेल ऑब्वियसली मैक्रोन के स्टेटमेंट से